नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचकेटेक्स एंड ब्लॉक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने वीडियो कार्ड और यानी कि ग्राफिक कार्ड का जो थर्मल पेस्ट था उसे कैसे चेंज करते हैं। मेरा ये MSI का आर्मर एडिशन कार्ड है जिसका टेम्परेचर स्टेबली 90 डिग्री के पास रहता है अभी, और इस कार्ड को मेरे को यूज़ करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आप किसी कार्ड को रेगुलरली 2 से 3 साल तक यूज में लेते हैं तो आपको उसका थर्मल पेस्ट चेंज कर देना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से आप इसका MSI का जो आर्मर था RX580 उसका थर्मल पेस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चले करते हैं शुरू वीडियो को, तब तक आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक स्क्रू ड्राइवर और एक अच्छी क्वालिटी का थर्मल पेस्ट। मैं यूज में ले रहा हूँ इसमें एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला थर्मल पेस्ट। इसमें आपको कोई ऐसा कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि 150 रुपये वाला थर्मल पेस्ट लगाऊँ कि 600 रुपये वाला, सेम काम करता है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको 4 स्क्रू जो कि GPU के पीछे के पैनल पर जो PCB बोलते हैं, इस पर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर घसे हुए थे, इन्हें सिंपली ओपन करना है जिससे कि इसका फैन पूरा अलग हो जाए। तो मैं सिंपली इन्हें खोल देता हूँ। ये वाला स्क्रू ड्राइवर थोड़ा बड़ा है तो मैं छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लाके खोलता हूँ इनको। तो मैं दूसरा वाला स्क्रू ड्राइवर लेके आ गया हूँ। आपको सिंपली जो 4 कट होता है स्क्रू ड्राइवर में, आप देख पा रहे होंगे ये जिसमें 4 कट स्क्रू ड्राइवर, इसी की मदद से आपको इसके स्क्रू को अनटाइट करना है। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता आपको, ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इनमें एक स्प्रिंग लगी हुई है जिससे कि ये काफ़ी आसानी से ऊपर की तरफ आ जाती है स्क्रू। तो आप 4 स्क्रूज को खोल लीजिए। अगर आपका कार्ड वारंटी में है तो आप ये काम ना कीजिए क्योंकि इसके बाद आपके कार्ड की वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे तो वारंटी ख़त्म हो चुकी है इसलिए मैं इस कार्ड को खोल रहा हूँ। तो आप जब ये स्क्रू खोलेंगे तो आपका GPU सिंपली इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको केवल पीछे की PCB प्लेट है उसको उठाना है, और आपको जो फैन की प्लग है, जो फैन की वायर है, उसको भी यहाँ से अनप्लग कर देनी है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी धूल मिट्टी भी जम चुकी है, तो मैं इसे ब्लोवर से अच्छी तरीके से सफाई कर लेता हूँ इसकी। उसके बाद हम इसमें थर्मल पेस्ट को चेंज करेंगे। तो फैन हमारा अलग हो चुका है और मेन PCB भी हमारा अलग हो चुका है, तो इसे हम सिंपली ब्रश की सहायता से साफ कर लेंगे। और इसे इस जगह जो मेन चिप है हमारी रेडियन RX580, इसको हम कॉटन के कपड़े से अच्छे से सफाई करेंगे। तो मैं इनको साफ करके आपको डायरेक्ट वीडियो वहीं से दिखाता हूँ और इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं अपनी चिप को और जो फैन है इनको क्लीन करके लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने सफाई कर दी है इसको। मैंने ऐसे प्रोवाइडर एल्कोहल से क्लीन कर दिया। यहाँ पे इस मदरबोर्ड पे जो आप बोल सकते हो PCB बोर्ड, इस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो अब हम इस पे थर्मल पेस्ट अप्लाई करते हैं। आपको इतना थर्मल पेस्ट अप्लाई करना है कि इसमें कम ना पड़े, ऐसा वो डॉट सीधा सीधा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। तो अच्छे से थर्मल पेस्ट लगाना है आपको।
मैं थोड़ा इसको फैला देता हूँ। इसमें ज़्यादा थर्मल पेस्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम नहीं लगाना है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, तो कर देता हूँ मैं वापस थर्मल पेस्ट को पे। और अब हम करते हैं वापस अपनी जो फैन वाली एरिया है इसको माउंट। तो ये इस प्रकार से रहेगा कुछ। इससे पहले हम फैन लगाते हैं, हम फैन के जो कनेक्टर हैं इनको पिन कर देते हैं पीसीबी में। फैन को हमने फिक्स कर दिया है। फैन के जो कनेक्टर हैं उनको अब हम वीडियो कार्ड को फिक्स, जो अब ऊपर रख के उनको फिक्स करते हैं फिर से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसको काफ़ी ध्यान से फिक्स करूँगा। ये जो चारों पॉइंट है इनको आपको सिंपली जो ये छेद है इसमें से फिक्स करना है इन पॉइंटों को, और लगा देना है सीधा इसके ऊपर। तो जिस प्रकार से मैंने भी लगाया है इसी प्रकार से इसको लगाना है, और उल्टा करके रख दीजिए और चारों स्क्रूज को फिर से आप आराम से टाइट कर दीजिए। ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, इसमें स्प्रिंग लगी होती है तो ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। तो चारों स्क्रूज टाइट हो चुके हैं। तो थर्मल पेस्ट हमारा लग चुका है। तो ये था एक वीडियो छोटा सा जिसमें हमने थर्मल पेस्ट लगाना सिखाया आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी प्रकार से आने वाली वीडियो का जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।